आज हम आपको दिल्ली के बीते 3 दिन के घमासान और उस हिंसा की तस्वीर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो तस्वीर यह बताती है कि आज 2020 के इस दौर में भी हम लोग बेहद असामाजिक होते जा रहे हैं। असामाजिक शब्द इसलिए उपयोग करना पड़ रहा है क्योंकि जो रोज अपनी दिल्ली को दिल में जिया करते थे, उनके दिल में वोटों के खातिर और नोटों के खातिर कुछ लोगों द्वारा एक चिंगारी सी पैदा कर दी गई है। यह कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी चिंगारी है जिसका जब कभी जिक्र हो जाता है और विवाद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस कड़ी में जब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर राष्ट्रपति भारत आए हुए थे, ऐसे में उन्हें हमने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर क्या दिया? उसी राजधानी दिल्ली की हिंसा, जाफराबाद की गलियों की अशांति, शायद कोई भी भजनपुरा और जाफराबाद की गलियों में हुई इस अशांति को देखकर सहज नहीं हुआ होगा। उन्हें यही लग रहा होगा कि राष्ट्रीय राजधानी में जब इतनी अहिंसा हो रही है तो फिर देश के अन्य जिलों का क्या हाल होगा। जाहिर सी बात है, आपका पड़ोसी, आपका मेहमान आपके बाहरी आवरण से ही आपके आंतरिक हकीकत को पहचानने की कोशिश करता है। सो बाहरी आवरण आपने इतना खतरनाक दिखा दिया कि आंतरिक आवरण समझना किस तरह का रहा होगा यह आप समझ सकते हैं। दिल्ली में हुए दंगे में 200 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए तो 10 से भी ज़्यादा लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, जिसमें कि पुलिस का एक जवान भी शामिल है। कल शाम को दिल्ली पुलिस के जवानों पर एसिड फेंकने की भी खबर सामने आई, एवं साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल रतन लाल के शहीद होने के बाद उनके घर जब उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे तब केजरीवाल को केजरीवाल जाओ जाओ के नारे भी सुनने पड़े। पहले आप यह वीडियो देखिए और इस वीडियो के माध्यम से यह फैसला करिए कि जब समाज में हिंसा हो जाती है और हिंसा होने के बाद नेता मरहम लगाने या यूं कहें कि वोट बैंक को सहेजने जाते हैं तो देखिए किस तरह के नारों से उनको दो चार होना पड़ता है। समझ में आ गया होगा कि दिल्ली की वर्तमान हकीकत अभी क्या है। आइए अब एक और दूसरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि एक धर्म स्थल को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां विराजते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के प्रथम व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति। लेकिन आप यह जो तस्वीर देख रहे हैं या यह जो वीडियो देख रहे हैं उसी दिल्ली का है। पहले आप यह वीडियो देखिए। समझ में आ गया होगा कि देश कितने खतरनाक मोड़ पर जा रहा है, जहां पर एक वर्ग दूसरे के धर्म स्थल को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। क्या हमें किसी धर्म को लेकर इतनी नफरत हो सकती है कि हम नफरत के उस चरम पर चले जाएं जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही हमें एक अंजाम के तौर पर दिखाई देने लगती है। हिंसा और एक ऐसी हिंसा का अंजाम, जाहिर सी बात है, कभी शांति तो हो ही नहीं सकती। लेकिन आज हम देश के नेताओं से केवल एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि साहब, आप घटनाओं के बाद जांच करवाने का बहुत वायदा करते हैं और जनता भी इस ओर ही लग जाती है। राजनीतिक पार्टियां भी, राजनीतिक पार्टी के नेता क्या कभी कभी ये बता पाएंगे
कि जब भी जहां धार्मिक उन्माद के चलते दंगे होते हैं या माहौल खराब होता है तो इसका जिम्मेदार व्यक्ति आने वाले समय में जनप्रतिनिधि कैसे बन जाता है, यह बहुत बड़ा सवाल है और आज इसी सवाल पर इस रिपोर्ट को समाप्त करते हैं। दलोकनीति आप सभी लोगों से, खासतौर से दिल्ली के लोगों से यह अपील करता है कि किसी भी तरह के धार्मिक बहकावे में मत आइए, अपना, अपने समाज का, अपने परिवार का ख्याल रखिए और पड़ोसी आपका ही अपना हमदर्द है यह सोचकर उसके साथ बर्ताव करिए। तब तक के लिए मुझे यानी गरिमा को दीजिए इजाज़त और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए दलोकनीति।